हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिए 251 पट्टे, आमजन के सरकारी कामों का किया निस्तारण रामसिंह। ग्राम पंचायत मुख्यालय के राजकीय सीनियर विद्यालय में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान में शिविर प्रभारी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत में कुल 251 पट्टे वितरण किए गए। शिविर में प्रधानमंत्री आवास 4, जॉब कार्ड 10, विभाजन 45, सीमांकन 51, रास्ते का समाधान 57, नामांतरण 325, नाम शुद्धिकरण 277 व बंटवारा सहित कई मामलों का समाधान किया गया। साथ ही 70 वर्षों के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धिकरण में फुइया पुत्र समरथा से गुमान सिंह पुत्र समरथा सिंह हुआ। पंचायत मुख्यालय पर आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान में आम ग्रामीणों को पट्टे जारी करने के साथ राजस्व विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जलदाय विभाग, बिजली विभाग सहित अन्य विभागों के कार्य भी किए गए। इस दौरान शिविर प्रभारी जवाहर राम, उपखंड अधिकारी भिनमाल, विकास अधिकारी जसवंतपुरा इंद्रजीत सिंह, तहसीलदार मेहरा राम, पीओ रामलाल, नायब तहसीलदार भगता राम, पटवारी राजू जानी, सरपंच चंद्रवीर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश, रोजगार सहायक मुकेश काबावत, बिजली विभाग जेएम पवन मीणा, लाइनमैन निम्बाराम मीणा, जलदाय कार्मिक नाथू सिंह, रूपा राम सहित वार्ड पंच दौलत सिंह काबावत, चेतन सोनी, पायल कमलेश राव, भागीरथ राव, ग्रामीण सूरजपाल सिंह राठौड़, गोविंद सोनी, खीमाराम घांची, छोगा लाल राव, भैमाराम समेत ग्रामवासी मौजूद रहे। दो विधवाओं को संयुक्त पट्टा मिला तो जीने का हौसला मिला। ग्राम पंचायत द्वारा कस्बे की दो विधवा महिलाओं को संयुक्त पट्टा जारी करने के बाद शिविर प्रभारी के द्वारा वितरण किया जा रहा था। उस दौरान नाम की घोषणा होने के बाद जब मंच पर संगीता पत्नी पासर व जोशाना पत्नी ताराराम अपने पट्टे लेने पहुंची तो हर कोई शिविर के महत्व पर खुशी जाहिर करता नजर आया। इस तरह के परिवारों के लिए प्रोत्साहन मिलता है कि आम लोगों का हक मिला। अधिकारियों का इंतजार करते रहे ग्रामीण शिविर को लेकर आम लोगों में भारी उत्साह नजर आया। निर्धारित समय पर तहसीलदार मेहराम व अधिकारी वगताराम सहित अन्य विभाग के कर्मीगण आ गए थे, लेकिन शिविर प्रभारी व विकास अधिकारी देरी से पहुंचने तक आम ग्रामीण इंतजार करते नजर आए। स्थानीय व्यवस्था पूर्ण होने के बाद अधिकारियों का देरी से पहुंचना चर्चा का विषय बना रहा। 11 बजे तक मंच पर केवल तहसीलदार मेहराम ही नजर आए। अतिक्रमण व अवैध पानी कनेक्शनों का मुद्दा शिविर में आम ग्रामीण के द्वारा कस्बे के क्षेत्र में सरकारी विभाग की जमीन पर अतिक्रमण के बारे में सख्त कार्यवाही को लेकर मांग पत्र सौंपते हुए अतिक्रमण हटाने को लेकर विशेष अभियान चलाने की बात कही गई। वहीं कस्बे में पेयजल समस्या के समाधान को लेकर सख्ती के साथ अवैध नल कनेक्शनों पर भी कार्यवाही करने का मुद्दा रखा गया। जागरूक टीवी के राम सिंह से गिरधारी लाल की रिपोर्ट।